हमने दिल्ली बदली है, पंजाब बदला है और अब आम आदमी पार्टी हरियाणा को भी बदलना चाहती है। जो दिल्ली सीट का परिणाम लोकसभा की कुरुक्षेत्र सीट का ही आएगा जो 2 लाख वोटों से जीते हैं। सुशील गुप्ता जी जीतने और इंडिया गठबंधन की सरकार जरूर बनेगी क्योंकि जनता है इस समय जो मौजूदा भाजपा शासन है उससे बुरी तरह त्रस्त है। व्यापारी, कर्मचारी, युवा, महिला, मजदूर, हर किसी को इस सरकार ने सड़कों पर बिठाने का धरने देने के लिए मजबूर किया है। यहाँ भी हर गांव के अंदर जा रहे हैं, हर गांव के अंदर यही आवाज आ रही है कि अब की बार सुशील गुप्ता जी को जिताने का काम करेंगे, इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करेंगे। क्या वो कोयला चोर था 1,70,00,000 का, क्या वो सही हो गया, क्या वो सोने का डायमंड बन गया, क्या बीजेपी की वाशिंग मशीन एक ऐसी है जो भी उसके अंदर डलेगा वही साफ हो जाएगा। हरियाणा वाले भी बदलाव चाहते हैं, बीजेपी की इस तानाशाही सरकार से छुटकारा चाहते हैं और इसलिए तमाम जनता समर्थन में यहाँ पे मौजूद। गुप्ता जी वही मुद्दे जो आम आदमी पार्टी के मूल मुद्दे हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं हैं, महिलाओं का सम्मान है, किसानों के अधिकार हैं। सारे जो नेता हैं ये सब के सब डॉक्टर सुशील गुप्ता के समर्थन में खड़े हुए हैं और बहुत फायदा, बहुत लाभ मिलेगा इससे। जी मेरा नाम हुदा सरीवाला है, मैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हूँ, यहाँ पे खास तौर से दिल्ली से आई हूँ। डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता जी जो आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के सांझे प्रत्याशी हैं उनका समर्थन करने के लिए आप देख रहे हैं आज जो पुंडरी में जनसभा ऑर्गेनाइज की गई है वहाँ पे किस कदर लोगों का जन सैलाब उमड़ के आया है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से पूरी की पूरी पुंडरी की जनता भगवत मान जी का इंतजार कर रही है जो आज के यहाँ के मुख्य अतिथि हैं। कुछ ही देर में बस भगवत मान जी यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता जी के समर्थन में आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जी अभी 2-4 दिन पहले आए थे, आज भगवत मान जी आ रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता जी के लिए। तो साफ जाहिर है कि पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन, आम आदमी पार्टी, अभी परसों हुड्डा साहब आए थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए थे, तो सारा का सारा समाज उन लोगों के साथ है जो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो नेतागण हो, चाहे वो जनता हो, तमाम लोग यहाँ पे डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता जी के समर्थन में मौजूद हैं। एक हफ्ता रह गया है और भगवंत मान और जो केजरीवाल साहब है वो दोनों आ चुके हैं जी। हरियाणा में इन दोनों नेताओं को इतना पसंद किया जा रहा है, आखिर क्यों? हरियाणा एक तो दिल्ली के बहुत पास है, हर किसी का कोई ना कोई जानकार दिल्ली में मौजूद है। हमने दिल्ली बदली है, पंजाब बदला है और अब आम आदमी पार्टी हरियाणा को भी बदलना चाहती है। जो नीतियाँ, जो फायदा दिल्ली वालों को मिलता है, चाहे वो शिक्षा को लेके हो, चाहे वो स्वास्थ्य को लेके हो, चाहे वो महिला का जो बस यात्रा फ्री राइड है उसकी हो, चाहे हम बेरोजगारी भत्ता की बात करें, ये तमाम जो नीतियाँ हैं, जिसका जो दिल्ली का एजुकेशन मॉडल है उसको यूनाइटेड नेशंस तक ने सराहा है, जो दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक मॉडल है उसको यूनाइटेड नेशंस ने सराहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स में दिल्ली डेवलपमेंट मॉडल की बात होती है, पंजाब में वो मॉडल है, तो जाहिर सी बात है कि हरियाणा वाले भी बदलाव चाहते हैं, बीजेपी की इस तानाशाही सरकार से छुटकारा चाहते हैं और इसलिए तमाम जनता समर्थन में यहाँ पे मौजूद है। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता जी के समर्थन में न सिर्फ पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवत मान जी आ रहे हैं बल्कि जो भूपेंद्र हुड्डा जी जो कांग्रेस के एक्स चीफ मिनिस्टर थे वो मौजूद थे यहाँ पे। बहुत सारे बड़े नेता आ चुके हैं, अरविंद केजरीवाल जी आ चुके हैं, कई सारे अभी आगे आने वाले दिनों में शायद फिर से उनका एक आने का अभी पॉसिबिलिटी है। तो ये सारे जो नेता हैं ये सब के सब डॉक्टर सुशील गुप्ता के समर्थन में खड़े हुए हैं और बहुत फायदा, बहुत लाभ मिलेगा इससे। बिल्कुल 100% माहौल दिखाई दे रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता सुशील गुप्ता ना जीते, क्योंकि सुशील गुप्ता कोई नेता नहीं है, एक जैसे हरियाणा को घर में एक बड़ा आदमी चलाता है ऐसे सुशील गुप्ता पूरे हरियाणा को चलाएंगे। ये नेता नहीं है, जैसे नायब सैनी था और गायब सैनी बन चुका है वो। क्या वो कोयला चोर था 1,70,00,000 का, क्या वो सही हो गया, क्या वो सोने का डायमंड बन गया, क्या बीजेपी की वाशिंग मशीन एक ऐसी है जो भी उसके अंदर डलेगा वही साफ हो जाएगा। गुप्ता के जीतने के बाद किस काम की उम्मीद है, क्या काम करेंगे? हम 10 काम होकर केजरीवाल में आप जो बोल के गए वो सब करेंगे, हम जो वायदे करते हैं ना, हमारी आम पार्टी, आप भी नेता, हम भी नेता, कोई यहाँ पे नेता नहीं है इस पार्टी में, सब नेता हैं, हम सब मिलजुल के काम करेंगे। मेरा नाम सोनू प्रधान है जी। बिल्कुल बढ़िया माहौल बनेगा जी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हाँ जी, माहौल
बिल्कुल बढ़िया चेंज हुआ है। हर जहां भी हर गांव के अंदर जा रहे हैं, हर गांव के अंदर यही आवाज़ आ रही है कि वे अब की बार सुशील गुप्ता जी को जिताने का काम करेंगे, इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करेंगे, बिल्कुल जीतेंगे जी। सबसे बड़ी है बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी। हम चाहते हैं कि भी जब इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए तो सबसे पहले अगर करने पड़ेगा तो ये भ्रष्टाचार खत्म करना पड़ेगा। अगर भ्रष्टाचार खत्म होगा तो तभी जो देश का उद्धार होगा। अगर भ्रष्टाचार ऐसे ही रहा तो देश का कभी भी उद्धार नहीं होगा, देश वैसे ही स्थिति में चला जाएगा जैसे में के पहले था। डॉक्टर रजनीश जैन, महिला प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी हरियाणा। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी की दोनों जगह दिल्ली में और पंजाब में सरकार है। आप लंबे समय से देखिए कि जब से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आ गई है। सरकारी स्कूलों को उन्होंने एक गरीब के बच्चे के लिए इस तरह से करवाया है कि आज गरीब का बच्चा वहाँ पर पढ़ के डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है और बड़ा प्रशासनिक अधिकारी बन रहा है। पीछे आपने देखा होगा सरकारी स्कूलों का जो दिल्ली के रिजल्ट आया था और जो नीट की परीक्षा हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा उत्तीर्ण होने वाले दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे थे। और अरविंद केजरीवाल जी वर्ल्ड क्लास जो एक नया कॉन्सेप्ट मोहल्ला क्लिनिक का लेके आए, दिल्ली में जगह जगह लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए गए और उसके बाद महिलाओं के लिए दिल्ली में यात्रा मुफ्त कर दी गई, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा मुफ्त कर दी गई, 24 घंटे बिजली देने वाली दिल्ली में सबसे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी और साथ में 200 यूनिट बिजली हर घर को मुफ्त भी मिल रही थी। तो इसी तर्ज पे जैसे ही पंजाब में आम आदमी पार्टी की भगवंत मान जी की सरकार आई तो उन्होंने दिल्ली मॉडल को फॉलो किया। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने स्कूल ऑफ एक्सेलेंस बनाने शुरू कर दिए। दिल्ली में तो शायद लगभग 7 साल लगे मोहल्ला क्लिनिक बनाने में जितने संख्या में पंजाब में, तो भगवंत मान जी ने 2 साल के अंदर अंदर ही 700 से ऊपर मोहल्ला क्लिनिक कर दिए। उन्होंने 35,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दिया, 50,000 से ज़्यादा युवाओं को उन्होंने नौकरियां दे दी और इसके अलावा लगातार विकास के कार्य जारी हैं। पंजाब में सबको 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिल रही है। आज पंजाब के 90% घर ऐसे हैं जिनको बिजली का बिल जीरो आ रहा है। अगर तो बात करें जिस तरह सुशील गुप्ता अगर जीतते हैं तो क्या काम ऐसे लगते हैं कि इनका मुख्य प्राथमिकता देंगे? देखिए, सुशील गुप्ता जी जीतने और इंडिया गठबंधन की सरकार जरूर बनेगी क्योंकि जनता है इस समय जो मौजूदा भाजपा शासन है उससे बुरी तरह त्रस्त है। व्यापारी, कर्मचारी, युवा, महिला, मजदूर, हर किसी को इस सरकार ने सड़कों पर बिठाने का धरने देने के लिए मजबूर किया है। तो जनता व्यवस्था परिवर्तन करना चाहती है और हम हरियाणा की जनता से और भारत की जनता से ये बताना चाहेंगे कि आप इस बार इंडिया गठबंधन को समर्थन दीजिए। जी, किस मुद्दों पर काम करेंगे जीतते हैं तो? देखिए गुप्ता जी, वही मुद्दे जो आम आदमी पार्टी के मूल मुद्दे हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं हैं, महिलाओं का सम्मान है, किसानों के अधिकार हैं, तो इन सब मुद्दों पे काम किया जाएगा और कुरुक्षेत्र लोकसभा का विकास किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे फंड जो लाए जाएंगे वो ईमानदारी से इसी हलके पे खर्च किए जाएंगे क्योंकि पहले आपने देखा होगा जो सांसद यहाँ से रहे हैं, नायब सैनी, वो यहाँ से गायब भी रहे हैं, अपनी जनता के बीच में कभी दिखाई नहीं दिए। जनता अगर किसी को चुनती है, एक सांसद बनाती है, MLA बनाती है, मंत्री बनाती है, तो शायद मेरे हिसाब से तो वो जन सेवक होना चाहिए, ना कि वो अपने हलके से गायब होना चाहिए। जब वो अपने हलके से गायब है सांसद तो जनता की सेवा कैसे करेगा? मेरा नाम सोनू मच्छल है सर। पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूँगा। सुशील गुप्ता जी कम से कम 2 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी, 10 की 10 सीटें जीतेंगे। पहली सीट का परिणाम लोकसभा की 76 सीट का ही आएगा जो 2 लाख वोटों से जीतेंगे। तो ये जो बड़े नेता पहुंच रहे हैं, भगवंत सिंह मान, केजरीवाल और जो बड़े नेता आ रहे हैं, इनसे कुछ मजबूत लगते हैं सुशील गुप्ता? बिल्कुल लग रहा है सर। मजबूत तो पहले हमारे चौधरी नदीप सिंह सुरजेवाला जी ने कुरुक्षेत्र लोकसभा के इलेक्शन को ऐसे उठा रखा है जैसे समझ लो जमीन से उठा करके आसमान तक उठा रखा उन्होंने पहले इस इलेक्शन को, कुरुक्षेत्र लोकसभा को जी। तो अगर बात करें सुशील गुप्ता किन मुद्दों पर काम करेंगे अगर जीत गए तो? सर जो ये इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, देखो जैसे बुढ़ापा पेंशन है 6,000 रुपये होगी और जैसे राहुल गांधी जी ने, हमारे नेता ने बोला है, बड़े नेता ने, कि हर औरत को 1,00,000 रुपया सालाना देंगे गरीब औरत को। और भी बहुत से मुद्दे हैं, बहुत अच्छे मुद्दे हैं, बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें लेकर के आई है कांग्रेस सरकार और चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी उसको पूरी अच्छी खूबी से निभाएंगे।